उसके बाद आज पापा जी का जन्मदिन भी है हमारे प्यारे पापा जी का 10 अक्टूबर, तो आज वो भी सेलिब्रेट करेंगे। और एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, न्यू इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी है आप लोगों से, तो वो बने रहिएगा, वो भी शेयर करूँगा। आलू ले लो, कांदा ले लो, स्वागत करता हूँ आपका मेरे नए ब्लॉग में सुनहरी सुबह के साथ। सो आज जैसे मंडे है, सबसे पहले वर्कआउट करने मैं आ गया हूँ जिम। लगभग टाइम हो रहा है 6:30, लगभग टाइम हो रहा है 6:30। एंड अपन लोग क्या, आपको आया ही नहीं है, स्टेडियम भी पूरा खाली पड़ा है क्योंकि बरसात की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, लोग आ नहीं पा रहे हैं। 2-3 दिन हो गए बारिश होते हुए और अभी भी रिमझिम आ ही रखी है। ये देखिए मौसम का हाल, नोएडा में तो ऐसी ही होता भाई, पूरा स्टेडियम खाली पड़ा है। ये पार्किंग है, यहाँ पर भी इतनी गाड़ियाँ खड़ी रहती थी तो आज बिल्कुल खाली हो रखा है। दो चार स्कूटी यहाँ खड़ी हैं। सो बरसात ने थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है पूरी अर्थव्यवस्था इलाके के। और डीएम के ऑर्डर आए हैं रात को 10:30-11 बजे, स्कूल भी बंद है तो बच्चों की भी छुट्टी है आज। और आज मैं स्टेडियम में वर्कआउट करने आया हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हमारे जिम में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि वहाँ पे कुछ अर्थिंग का प्रॉब्लम हो रहा है ऐसा हमारे गुरु जी ने, कोचेज ने बताया है। सो कोई बात नहीं, तब तक हम यहाँ 2-3 दिन यहाँ वर्कआउट करेंगे। एंड उसके बाद आज पापा जी का जन्मदिन भी है हमारे प्यारे पापा जी का, तो आज वो भी सेलिब्रेट करेंगे। और एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, न्यू इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी है आप लोगों से, तो वो बने रहिएगा, वो भी शेयर करूँगा। ब्लॉग का शुरुआत करते हैं, लेके भोलेनाथ का नाम, हर हर महादेव। और हिमांशु भी जा रखा है टूर पे अपनी फैमिली के साथ, तो आजकल मेरे को अकेले ही वर्कआउट करना पड़ेगा। चलिए फिर आज ये वाले जिम में आपको वर्कआउट करते हुए दिखाते हैं कैसा है। क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दोस्तों वर्कआउट तो हो गया छोटा मोटा, अब मौसम तो बहुत बेहतरीन हो रहा है। अगर दोस्तों के साथ चाय भी पी ऐसे मौसम में तो फिर क्या पिया। बाकी फिर घर चलते हैं, चाय पी लेते छोटी दोस्तों के साथ, फिर क्या है। वैसे ही पानी कम बरस रहा है उधर। गुड मॉर्निंग, स्कूल की छुट्टी पड़ गई, ये देखिए कल की ड्रेस तैयार थी पूरी और छुट्टियां पड़ गई हैं। आज भी बंद है मेरे ख्याल से, कल भी बंद है, न्यूज में ऐसा आ रहा है। उठो चलो, गुड मॉर्निंग, आज आज है दादा का बर्थडे, आज हमारे पापा का बर्थडे है और तुम्हारे दादा का, आज बर्थडे मनाएंगे, आज केक खाएंगे, केक खाइए, केक खाइए। क्या ये मैक्रोनी? इसके क्या करे, जब कल स्कूल जाओगे तब तो नहीं। ये भगवान, इतना प्यार मैक्रोनी से, दिखेगी जरा। तो जी दोस्तों, एक ज़रूरी काम जाने आने की वजह से ऑफिस जाना पड़ रहा है आज मुझे, अचानक से बन गया ऑफिस का, एक इमरजेंसी काम आ गया था।
पहले वही निकाल लेते हैं। पापा का बर्थडे भी है तो मेरे को लगता है लेट ही होने वाला है फिर आज। मेरे 40। हाँ अभी तो और खाऊंगा यार। चलिए दोस्तों ब्रेकफास्ट करना भी रह गया था यार, तो थोड़ा सा ये हल्का फुल्का खा लेता हूँ। जल्दबाजी में निकला ना तो ब्रेकफास्ट मनीषा तैयार भी नहीं कर पाई, लंच भी नहीं कर पाई, तो आज फिर ऐसा ही रहेगा बाहर का हल्का फुल्का। चलिए दोस्तों फिर मैं आपको थोड़ी देर बाद, यही कट से। चलिए दोस्तों मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलता हूँ, फिर ऑफिस से फिर निकलने के बाद फिर मिलेंगे। कोशिश करूँगा जल्दी जाने की, पापा का बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है और दो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके साथ शेयर करनी है, तो फिर मैं फ्री होने के बाद करता हूँ। ठीक है तो फाइनली दोस्तों ऑफिस की छुट्टी हो गई है और मैं निकल गया हूँ मेट्रो स्टेशन और 5 बजे निकल गया हूँ मैं। चलिए अब चलते हैं और बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं फादर का, होपफुली आज टाइम से पहुँच जाऊँगा। तो दोस्तों फाइनली अपनी धंधों को मैंने उठा लिया है, मतलब स्कूटी उठा लिया है और नोएडा पहुंच चुके हैं। और कितना नोएडा सबसे प्यारा ही है यार, ये देखो क्या खूबसूरती ग्रीनरी यार, कितना नोएडा नोएडा ही है, कुछ भी होगा ये, क्या मस्त मौसम हो रखा है। गुड़गांव में तो कुछ नहीं हो रखा था, इतना मस्त मौसम हो रखा है, मज़ा ही आ रहा है भाई। नोएडा नोएडा है, नोएडा इज़ द बेस्ट, दिल्ली गुड़गांव जितने भी है ना, गाजियाबाद सबसे बेस्ट है नोएडा। मार्केट में चलते हैं, सीधा केक उठाते हैं, छोटा मोटा सामान ले लेते हैं और दो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, छोटी सी है सुन लेना भाई, बस करता हूँ अभी यार, टाइम ही नहीं मिल पा रहा, क्या जाके करते हैं, आवाज़ आती नहीं आ रही। तो दोस्तों केक वेक ले लिया है अपन ने और बारिश होने लगी है बहुत तेज, मैं गीली हो और ये देखिए कौन आ गया है बहुत सारा सामान ले लिया है अपन ने, करवा वरवा का सामान भी लेना था तो मनीषा भी आ गई है। अब चलिए केक वेक ले लिया है, करवा का भी शॉपिंग हो गई है ना, छोटा मोटा सामान, अब सीधा घर निकलते हैं और बारिश होने लग गई है, बारिश भी हो रही, चल पकड़े यार। चलो दो 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 दो। और ये हो गए सारे बाल गीले, इनके बच गए, अरे हेलमेट मेरे को दो। ऐसे बारिश का मौसम से गाना याद आया है, भरी बरसात में पीले में दो। अच्छा अब जिंदा हो तो आलू ले लो, कांदा ले लो। कितना ट्रैफिक हो जाता है यहाँ पे मंडे को। केक हमने डिक्की में रखा हुआ है स्कूटर की और हम उछलते कूदते हुए आ रहे हैं, पता था कि एक का घर पहुंचते पहुंचते रबड़ी बन गई। तुम पिट आ गए। फाइनली घर पहुंच गए। केक देखो केक। 8 बजे 9 बजे का निकला हुआ। केक दिखाओ केक। केक केक चेक कर लेते हैं पहले। मेन तो केक है। बच गया। बच गया। बच गया। यार बीच बिताई हो जाती अजय राजपूत जी की। चलिए दोस्तों मैं तो नहा धोके एकदम फ्रेश हो गया हूँ एंड अब ऐसा है 8 बज गए हैं। चलिए सबसे पहले केक काट लेते हैं एंड बर्थडे थोड़ा केक खा लेते हैं यार, दिन को भी फिर कुछ नहीं खाया है, सुबह ही खाया था वो पैटीज और वो सैंडविच एंड भूख भी लग रही है बहुत तेज। चलिए भाई केक काट। We'll be right back.
तो यार पिज्जा खत्म नहीं हुआ अभी तक है। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय गाइस, बाय बाय बाय। चलिए फ्रेंड्स, आप केक वेक तो काट चुके हैं और बच्चे अब नीचे आने का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे वो नीचे जाते हैं तो फिर वो नीचे ही रुक जाते हैं, फिर ऊपर आते नहीं हैं। सो अबे आप सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि एक तो जो मेरे को आप शेयर करना था, आप लोगों से बताना था कि आप चैनल का नाम है जो आपके मतलब फेवरेट चैनल है अजय राजपूत ब्लॉग्स का नाम चेंज होके नया नाम हो गया है। अब हो गया है क्या नाम हो गया है? एजे लिमिटलेस ब्लॉग्स। तो ये चैनल का नया नाम हो गया है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। सो आपको पता ही है मैंने क्यों चेंज करा है, क्योंकि कुछ हो नहीं पा रहा था चैनल का काफ़ी टाइम से। मतलब डेढ़ साल सवा साल हो गया है, लगभग सवा साल हो गया है। व्यूज़ ज़्यादा आ नहीं रहे, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे, तो इसलिए मैंने आपको पहले ब्लॉग्स में बताया था कि मैं नाम चेंज करने का सोच रहा हूँ। तो मैंने एक यूनिक सा नेम रखा है कि पूरे आप यूट्यूब में सर्च मारेंगे तो इस नाम से आपको कोई नहीं मिलेगा, एजे लिमिटलेस ब्लॉग। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये थी कि एक जैसे हम कभी टूर में जाते हैं तो हम मेरे को थोड़ा सा फोटोग्राफी का आजकल मतलब आजकल नहीं क्या पहले से है ही, तो मैं मोबाइल से ही कई फ़ोटोज़ लेता हूँ। तो वो फ़ोटोज़ आप लोगों के साथ कैसे शेयर करूँ मैं, क्योंकि ब्लॉग में तो मैं डाल नहीं सकता। तो वो फ़ोटोज़ में जो क्लिक करता हूँ, कहीं भी हम जाते हैं, कई जगह जाते हैं, बहुत जगह जाते रहते हैं, या कुछ रैंडम चीज़ें मुझे दिखती हैं तो मैं वो कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। तो वो उसे फोटोग्राफी को ज़रिए मैं आपको दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखाऊँ, तो मैंने इंस्टाग्राम में एक अकाउंट खोला है aj_limitless_photography। सो लिंक यहाँ नीचे आ रहा होगा। वो इंस्टाग्राम अकाउंट भी मेरा फॉलो कर लीजिएगा प्लीज़। उसमें आपको बहुत अलग तरह की फ़ोटोग्राफिक्स दिखेगी, मतलब फ़ोटोग्राफी दिखेगी उसमें, मतलब मेरी पर्सनल या फैमिली की या बच्चों की रिलेटेड नहीं दिखेगी, अलग ही लेवल की आपको फ़ोटोग्राफी दिखेगी जो एक प्रोफेशनल लेवल की होती है। और ये दो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। चलिए अब बिरयानी आपको दिखाई दी है, बिरयानी आ रखी है आज, तो फिर बोल करते हैं डिनर में खाएंगे। और मेरे को नींद बहुत तेज आ रही है, बज गए लगभग 10:10 हो गए हैं एंड मैं सुबह 5 बजे का उठाऊँ और बहुत ही नींद भी आ रही है, थक भी गया हूँ। तो ब्लॉग तो एडिट अभी करना मुश्किल है, तो मैं कल परसों ही कर पाऊँगा एडिट। तो चलिए फिर ब्लॉग का एंड करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया नया चैनल का नाम है, तो ये वैसे आपको दिख रहा होगा पहले ही, मतलब ये ब्लॉग आने से पहले ही आपको नेम अलग ही डिस्प्ले कर रहा होगा, तो घबराइएगा मत, ये कौन है भाई, ये किसका वीडियोज़ आ गई। तो एजे राजपूत ब्लॉग्स की जगह अब आपको नोटिफिकेशन पे आएगा एजे लिमिटलेस ब्लॉग्स। चलिए फिर एंड करते हैं इसी के साथ, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज एजे लिमिटलेस ब्लॉग्स एंड बेल आइकन प्रेस कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। See you in the next vlog. Bye. तो मैं जल्दबाजी में, सो अभी फिर मैं आपको आने के बाद वापस आने के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग, ठीक है। हेलो भैया, क्या हाल है? बढ़िया। बच गई यार, यार बिग बताई हो जाती अजय राजपूत जी की। हैं भाभी जी गुस्से में रहे हुए, तो बरसात हो रही, इतना अच्छा मौसम हो गया, भाभी जी गुस्से में रहे हुए।